हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल झलक जिंदगी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, सुकून से होंगे। आज की वीडियो होने जा रही है इंटरेस्टिंग, बेनिफिशियल और इंफॉर्मेटिव। वो कैसे, वो मैं बताऊंगी। कि आप जानते हैं कि एक आंवला जूस हमारी हेल्थ के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए कितना बेनिफिशियल है, और एक आंवला में 20 ऑरेंज जूस जितना विटामिन सी पाया जाता है। तो ये हुआ ना काफी बेनिफिशियल हमारे लिए। हम अगर अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में इसका इंटेक बढ़ाते हैं तो हमको जो विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है वो भी आंवला जूस से पूरी हो जाती है। ये एक्सटर्नल इंटरनल दोनों तरह से हमको फायदा पहुंचाते हैं। अगर हम बात इसकी इंटरनल की करते हैं तो हमारा डायबिटीज को कंट्रोल करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, कब्ज नहीं होने देता है, और भी काफी सारे फायदे हैं अगर हम इसके इनटेक डेली रूटीन में इसको बढ़ाते हैं। और इसके साथ साथ ही हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए काफी सारा बेनिफिशियल साबित होता है। सोचने वाली बात है, अगर आंवला अगर इतना लाभकारी ना होता तो इतने सारे मार्केट में आंवला बेस्ड हेयर ऑयल ना होते। आजकल विटामिन सी का मार्केट में काफी सारा उसका हम रोल देखते हैं कि हर कोई बोलता है कि आपको विटामिन सी अपनी स्किन पे अप्लाई करना चाहिए। तो क्यों नहीं हम वो विटामिन सी आंवला जूस को अप्लाई करके उसके बेनिफिट लिए जा सकते हैं। और आज हम यही बताएंगे कि ये एक आंवला जूस से आप अपने इंटरनल एक्सटर्नल, अपने हेयर के लिए, अपने स्किन के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। आइए शुरू करती हूँ आज की वीडियो। और हाँ, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है, हमको काफी खुशी दे सकता है। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर भी कर दीजिए। मैं आ गई हूँ किचन में और निकालती हूँ अपना आंवला जूस जो मेरी रूटीन का हिस्सा है। एक गिलास गुनगुने पानी में 2 चम्मच आंवला जूस डालकर पीना है। ये इम्यून सिस्टम को दुरुस्त रखता है। अब मैं स्किन पे अप्लाई करने के लिए एक सोल्यूशन तैयार करूँगी। आपको क्या करना है, 2 स्पून आपको आंवला जूस लेना है और उसमें 2 ही स्पून पानी ऐड करना है। तो ये आपका परफेक्ट टोनर तैयार हो जाता है। ये टोनर के साथ एस्ट्रोजन का भी काम करता है। अब आपको कोई भी कॉटन पैड, कॉटन बॉल्स को आंवला जूस में डिप करके उसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है। इसको अपने नेक पर भी अप्लाई करना है। नेक पे अप्लाई करना ना भूले, वो भी हमारे फेस का ही पार्ट होता है। फेस और नेक दोनों का ही इवन लुक होना चाहिए। इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये ओपन पोर को क्लोज करता है और उनको टाइटन भी करता है। अगर हमको एक्ने, स्कार, पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम होता है तो इसके अप्लाई करने से वो सारी समस्या भी दूर हो जाती है। इसके साथ साथ हमारी स्किन ग्लोइंग होती है, शाइनी होती है, स्पॉटलेस होती है। और ये स्किन को 1 टोन 2 टोन लाइटन भी करता है, इसलिए हमारी स्किन ज़्यादा निखरी निखरी लगती है। मैंने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई किया है। फेस का कोई पार्ट छूटा नहीं है। अब इसको हमको 10 मिनट्स के लिए ऐसे छोड़ देना है, इंतज़ार करना है। अब आपको अपने फेस को नॉर्मल पानी से वॉश करना है। मैंने भी गीले टिश्यू से अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। और अब आप देखेंगे कि इसके अप्लाई से सच में इफ़ेक्ट पड़ता है और हमारी स्किन फर्स्ट अप्लाई से ग्लो करने लगती है। अब मैं बालों के लिए सोल्यूशन तैयार करूँगी। अब इसके लिए क्या करना होगा, आपको 2 ही स्पून आंवला जूस लेना है, लेकिन आपको जो पानी ऐड करना है वो 6 स्पून पानी ऐड करेंगे तो ये बालों के लिए तैयार है। अब मैं बालों के छोटे छोटे सेक्शन बनाऊंगी और उसमें आंवला जूस अप्लाई करूंगी। जो जूस अप्लाई करेंगे वो हमारी रूट में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए और हमें ज़्यादा हेल्प पहुंचा सकें। सच में ये बालों के लिए रामबाण है। ये आपके बालों को काला करता है, हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है। उसके साथ साथ आपने देखा होगा काफ़ी लोगों को ये समस्या होती कि उनको टाइम से पहले ग्रे हेयर का प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये आपके बालों को ग्रे होने से भी रोकता है।
अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी चुरा लीजिए, अपने लिए भी बचा लीजिए, ताकि हम अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा सा ग्रूम कर सकें। देखिए मैंने कैसे अपने सारे बालों पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर हम खूबसूरत बालों की चाहत रखते हैं कि वो मजबूत और शाइनी रहें, तो ये सब करना पड़ेगा। सारे बालों को अच्छे से कवर कर लेने के बाद अब आपको 30 मिनट तक बालों को ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद अपने हेयर को नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है, फिर देखें रिजल्ट। अब आप भी जान गए होंगे आंवला जूस के क्या क्या फायदे हैं। तो इसका अप्लाई करना तो बनता है बॉस, इसको अप्लाई कीजिए और हमेशा हेल्दी और खूबसूरत बने रहिए। और हाँ, एक चीज मैं आप लोगों से और शेयर करना चाहती हूँ कि मैं काफी सारी यूट्यूब वीडियोस देखती हूँ, जिसमें एक यूट्यूबर है नेचुरल पूजा। तो नेचुरल पूजा को देखकर मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक हुआ कि व्हाई नॉट, अगर जो ये करती है मुझे भी ये सब आता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो उन्हीं से इंस्पायर होकर मैं भी वीडियोस बना रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएंगी। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी वीडियो। और आप हमको ये भी बता सकते हैं कि इसको और अच्छा कैसे बनाया जाए, ताकि मैं और भी इम्प्रूव करती रहूँ। फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।